ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन आईपीएल में अपने मंगूज बैट की वजह से काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बल्ले से खेलने से मना किया था और बदले में जो चाहे वो मांगने का ऑफर भी दिया था। हेडन साल 2010 में मंगूज बल्ला लेकर आईपीएल खेलने पहुंचे थे, जिसका हैंडल बाकी बल्ले के मुकाबले ज्यादा लंबा था और मारने वाला सतह छोटा था। इस बल्ले के साथ हेडन ने टूर्नामेंट की एक यादगार पारी खेली थी। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 43 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी खेली थी। हेडन ने एक लाइव चैट के दौरान उस बल्ले से जुड़ी मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मंगूज बैट पर कोई भी विचार देना बहुत मुश्किल काम है। इस एक चीज के लिए मुझे बहुत सारे सवाल किए गए। एक खिलाड़ी के नजरिए से वो पूछते थे कि आप आधे बल्ले से कैसे खेल सकते हैं। मुझे याद है कि एमएस धोनी ने कहा था कि आपको जो भी चाहिए जिंदगी में वो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन इस बल्ले का प्रयोग ना करें, कृपया इस बल्ले का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैंने धोनी से कहा, दोस्त मैं लगभग 1.5 साल से इस बल्ले से नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि जब ये गेंद इस बल्ले के बीचों बीच लगती है तो 20 मीटर ज़्यादा दूर जाती है। ये एक फैक्ट है और गेंद लगते ही गायब हो जाती है और वो इसको लेकर हमेशा खेल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी टीम को जोखिम में नहीं डालूंगा और मेरा प्रदर्शन खराब नहीं होगा। मैंने इस बल्ले को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया है। मैं इसको प्रयोग करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।